नादरीन, क्या भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए अगेती से अगेती गंदम काश कर ली जाए? गंदम की भरपूर पैदावार के उगाव के लिए कामीजा काम जो टेम्परेचर होना चाहिए 18 से लेकर 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए और कामीजा काम 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 32 का टेम्परेचर हो तो फिर बहुत कम उगाव होता है, इससे इसकी टिलरिंग मुतासर होती है, बहुत कम ही शगुफे गंदम निकालती है। अगर आप 20 नवंबर से बाद गंदम को काश करेंगे तो जब आपकी गंदम पकने की हालत में होगी तो उसके जो दाना होगा धोती की हालत में उस वक्त होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना में अगेती काश करने का नुकसान एक ये भी है, जब गन्ना अगेती जो होती है गोप की हालत में आती है तो उस वक्त कोरा पड़ रहा होता है, तो उस वक्त गन्ना की औसत बहुत ही मुतासर होती है। और अगर आप शुमाली या बिरयानी इलाका जात से हैं तो ये बात नोट कर लें, अगर रात का वक्त आपका टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड और दिन के वक्त आपका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हो तो आप गन्ना काश करना शुरू कर दें। और अगर आप अपने मोबाइल के वेदर से चेक करें तो मेरे ख्याल में ये 15 अक्टूबर से पहले नहीं काश्त होनी चाहिए। और हुकूमत पंजाब तो कहती है कि गन्ना जो है 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के दौरान आप बेफिक्र होकर काश्त कर सकते हैं, लेकिन रहीम यार खान और सादकाबाद में तो गर्म इलाका रहता है, वहाँ आप 20 नवंबर से बाद ही बाद काश्त करें, जल्द काश्त ना करें। और आप जनूबी पंजाब में 25 अक्टूबर के बाद आप गन्ना अगेती से अगेती काश कर सकते हैं। और अगर आप जल्द से इसी तरह मौसम चलता रहा तो आप जल्द से जल्द 20 अक्टूबर के दौरान आप गन्ना अगेती काश कर सकते हैं, अगर मौसम ठंडा हो गया तो। लेकिन मेरा तो मशवरा यह है कि आप 20-25 अक्टूबर के बाद काश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।